अब हम जा रहे हैं गोविंद मंदिर देखने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारी चाय आ गया है, पीएंगे। गुड मॉर्निंग। कैसी नींद आई भाई? कैसी नींद आई? मजेदार भाई। वो रखा सामने पीट का दूध और मेरी चाय। अभी हम अपना हवा महल देखने जाएंगे आज। द्रौपदी मुर्मू आज भगवान एक्सप्रेस में आई है सही है तो जाओगा बेहोश होगा होगा। तो गाइस अभी हम जो हैं यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अर्पित का जो दिल नहीं है यहाँ से उठने का। क्यों भाई अर्पित? बुलारा साहब भी तैयार हो गए हैं। ऐसे दिखा दो बुलारा साहब पर ऐसे दिख नहीं पाओगे। ये सुबह से ये बात बोल बोल के मेरे कान में दर्द हो गया इनकी बात सुन सुन के। ठीक है और मैं तैयार हो गया हूँ। तो दोस्तों इस जगह का नाम है जंतर मंत्र। जंतर मंत्र राजा जयसिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था। इस जंतर मंत्र को बनाने में 6 साल लगे। 1728 से लेकर 1734 तक बनाया गया ये। राजा जयसिंह ने ऐसे 5 जंतर मंत्र बनाए। एक जंतर मंत्र दिल्ली, एक उज्जैन, एक वाराणसी और एक ये जयपुर में बनाया है। जयपुर वाले जंतर मंत्र में आज हम खड़े हैं।
जयपुर वाला जंतर मंत्र फाइनल है, परफेक्ट है एंड एक्यूरेट है, और ये आज भी काम करता है। परछाई से टाइम इसकी ये आ गया ये यहाँ से एक घंटा है। इसको चार भागों में बांटा गया है, 15 15 मिनट, 15 को 3 में 5 5 5 को 5 में, 1 1 को 3 में। प्रत्येक 20 सेकंड का अपन टाइम देख सकते हैं यहाँ पर। एस्टिमेट एक्यूरेसी 20 सेकंड है। सुबह के टाइम जब सनराइज होगा ईस्ट में तो शेड्यू स्टार्ट होगा वेस्ट में, वहाँ से मॉर्निंग 6 o'clock to 12 o'clock और 12 o'clock to 6 o'clock उधर रहेगा शेड्यू, है ना। अभी शेड्यू यहाँ पर ये 10:15 और 16 मिनट हो गया, लेकिन ये यहाँ का लोकल टाइम है। अपना इंडियन टाइम आ रहा अलाहाबाद से, तो इंडियन स्टेट टाइम और लोकल टाइम में डिफरेंस होता है कम से कम 10 मैगियम 41 आज का जो यहाँ लिखा हुआ 27 तो 27 इसमें ऐड कर दो 25 और 15 40 लगभग 42 43 मिनट हो गए होंगे। ये वाला यंत्र काम करता रात के टाइम, नाइट के टाइम उसमें रिकॉर्डिंग करो। रात के टाइम में नीचे बैठ के और सीधे देखते नॉर्थ पोल स्टार को, और नॉर्थ पोल स्टार होता हमेशा नॉर्थ में। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फिक्स कंपास है। सबसे पहले इसको बनाया गया, इसके बाद में सभी यंत्र बनाया गया। यहाँ रहेगा और 24 सितंबर 20 मार्च इसके पीछे रहेगा, तो इसमें सूर्य उत्तरायण में तो पूरे पर लाइट है। सेकेंड काम क्या है, जो नेल देख रहे हैं आप जी, इसकी शेडो से भी टाइम दे रहा है। वो जो शेडो है ना नेल का, उसको नीचे लाएंगे तो वही लोकल टाइम देगा, डिफरेंस ऐड कर देंगे तो इंडियन टाइम आ जाएगा। 6 महीने ये वाला पार्ट काम करा है, 6 महीने इसके पीछे वाला पार्ट काम करा है। अभी एंड जो पीछे वाला है वो डार्क है। अब देखो आप, ये पूरा डार्क है ना, 6 महीने तक कंटिन्यू यहाँ लाइट नहीं आएगी, तो 6 महीने ये काम करेगा, 6 महीने इसके पीछे वाला है। कमाल है, जबरदस्ती बनाई है। ये जो यंत्र, इसका नाम यंत्राज लिखा हुआ है, 360 डिग्री पर बनाया गया है, 8 मेटल का बना हुआ अष्ट धातु का, ताकि मौसम का प्रभाव न पड़े। सेंटर जो होल है वो जयपुर है, ऊपर जो पॉइंट है नॉर्थ पोल है, होल के नीचे लाइन आता था बंद हो गया ना बीच में, वो इक्वेटर है। अगर उस लाइन से लेके होल तक गिनेंगे तो 27 लाइन, मतलब जयपुर 27 डिग्री नॉर्थ है, और नीचे देखेंगे तो 2 लाइन गोला बना रही है, मतलब पूरा का पूरा जयपुर का आकाश है। जगह जगह पर पूरी प्लेट पर नाम लिखे हुए हैं, सभी के सभी नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, कॉन्स्टेलेशंस के नाम लिखे हुए हैं। ये वाला इंस्ट्रूमेंट रात के टाइम वर्क करता था, रात के टाइम में टेलीस्कोप लगा के आकाश में स्टार उसकी जिसका नाम उसका डिग्री नक्षत्र की पोजीशन देखने काम आता था। जो भी गणना मिलती थी उस वाली प्लेट पर करते थे, उसके आधार पर जन्मपत्री बनाना, पंचांग बनाना, कनेक्ट इत्यादि। इट्स लाइक एस्ट्रोलैब टू डू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस, प्लैनेटरी पोजीशन। ये जो ग्राउंड है ये प्लानिंग है, मेजरमेंट है बड़ी वाली घड़ी का, बड़ी घड़ी को कैसे बनाया जाए प्लान है। वो जो दीवार है यहाँ का लोकल मेड इन वॉल है, वो मिड डे नून वर्क करता है। उसके टॉप में एक नहल है, उसका शेडो बनता है, लंबा आता है, डायल पर डिग्री लिखा हुआ है। दोपहर के 12 बजे सूर्य का पोजिशन बताता है लोकल मेड इन, मतलब सनिया की लोकल मेड गुजरता है। एक सूर्य में चक्रा बड़ा वाला काम नहीं कर रहा, अल्टीट्यूड बताता है। उसके लिए अपने दूसरा इंस्ट्रूमेंट समझाऊंगा आपको, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है यहाँ क्रॉस चेकिंग के लिए, टेली चेकिंग के लिए। हर जगह मतलब घड़ी 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 टाइम से वाला सिस्टम है सब, है ना। तो ये वाला और वो वाला, ये दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट है। इसको दो में बना दिया गया, क्यों बनाया, क्योंकि दोनों तो रास्ते बने हुए हैं, उससे नीचे जा सकें, पास में खड़े रह सकें और ढंग से देख सकें, इसलिए इसको दो में बना दिया, नहीं तो एक ही यंत्र यंत्र नाम है जयप्रकाश। कार्य क्या है, फंक्शन क्या है इसका, जो बीच में प्लेट देख रहे हो सेंटर में, इसका देखो पूरा शेडो वहाँ पर, इससे प्लेट की परछाई से शेडो से अपने को ये बताता राशि और लगन राशि जन्म पत्रिका के लिए। तो यहाँ दो तरह का लाइन है, एक यहाँ सीधा लाइन है, एक यहाँ तिरछा लाइन है। सीधी लाइन से राशियाँ, तिरछी लाइन से लगन राशियाँ। किसी भी पत्थर के टॉप लाइन में देखो तो मकर राशि लिखा हुआ है, तो पहली लाइन से क्या लाइन का, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, वापस, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो जहाँ प्लेट का शेडो है वो मिथुन राशि है। इस समय किसी भी बच्चे का जन्म पूरे संसार में कहीं भी होता है, उसका राशि मिथुन और लगन राशि इस समय वृष चल रहा है।
तो इस समय किसी भी बच्चे का जन्म अगर जयपुर में होता है तो इसका राशि मिथुन लगन राशि वृष, किसी भी बच्चे का जन्म आधे पौन घंटे बाद होगा, राशि तो वही रहेगा लेकिन लगन राशि बदल जाएगा। तो यहाँ से राशि और लगन राशि का पता चलता है। एक घंटे ये वाला पार्ट काम करता है, एक घंटे वो वाला पार्ट काम करता है। शेडो यहाँ पर है छोटे मर्द घूमे, शेडो नीचे उतरेगा तो वो वाला पार्ट काम करेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट में। तो जो जिनका जन्म पहले हो चुका उनकी राशि हम नहीं बताता है, पास फ्यूचर कैलकुलेट करना पड़ता है के हिसाब से बताएगा ना। तो इसके बाद क्या क्या उन्होंने ज़्यादा अच्छी जानकारी के लिए पूरे 12 राशियों के 12 घर बना दिए, सबके एंगल्स अलग अलग हैं और डायल पर वहाँ डिग्रियाँ लिखी हुई, इससे रिलेटेड जो भी यहाँ लगन राशि चलेगा, जैसे मान लो वृष का लगन चल रहा था, शेडो सब पे रहेगा, वृष के घर पे जाएंगे उसकी दीवार की शेडो से उसकी डिग्री, उसके अलावा जन्मपत्री। लेकिन आज के लिए यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटर पर है। और जन्मपत्री के लिए जरूरत तीन चीज़ें, टाइम, प्लेस और डेट। अगर तीनों चीज़ें सही हो तो सही जन्मपत्री बना सकते हैं, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। कोई बैठो प्रवचन, ये दो दो घंटे काम करते हैं, हर दो घंटे में लगन राशि बदल जाता है, जिसे पर नाम सुनते हैं। इतनी ऊंची घड़ी बना रखी है, मतलब समय के अकॉर्डिंग है यहाँ पे जो भी कुछ है। ये वाला बड़ा घड़ी है, जो घड़ी देखा था मैंने छोटा वाला, उसी का बड़ा वर्जन है। इसमें और उसमें डिफरेंस है एक्यूरेसी का, उसका एक्यूरेसी 20 सेकंड था, इसका एक्यूरेसी 2 सेकंड है। यहाँ हर 2 सेकंड में शेडो मूवमेंट करेगा, वहाँ स्केल बना हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, देखने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई। तो वहाँ एक मार्बल एक घंटे का था, यहाँ एक घंटे में 4 मार्बल के पीस है। तो लगभग जो शेडो है वो देखो 10 लिखा हुआ ना वहाँ पे, तो 10-15 लगभग 10-25 के आसपास है, उसके अंदर आप वो जोड़ दो 27 मिनट तो लगभग 10-52 के आसपास टाइम लगेगा। एक आता मैंने आषाढ़ पूर्णिमा जुलाई के महीने में, आषाढ़ पूर्णिमा की संध्या काल को ज्योतिष लोग ऊपर चढ़ के वायु परीक्षण करते हैं, उसके बाद मानसून 30-40 किलोमीटर रहेगा, मानसून कैसा रहेगा, बारिश कैसा रहेगा। अब भी करते हैं यहाँ, अभी भी परंपरा भी है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं उसी टाइम के लगे हुए हैं, ये वाला कपाली यंत्र है जो अपने देखा था, जय प्रकाश, सेम इंस्ट्रूमेंट है, सेम फंक्शन है, सेम प्रिंसिपल। सबसे पहले उसके बनाया गया, इसके बाद में सभी यंत्र बनाया, पहले ये था उसके बाद और बनाया। Quando manece il sol, la pared, sombrita se pare para a la izquierda. A las 6 y 12, este lado termina. ये था जंतर मंतर, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं और हाई एक्यूरेसी के साथ बनाए गए इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए देखते हैं अब हम सिटी पैलेस।